जी चले ड्राइव करेंगे जी सर। सबसे पहले मैंने अपने साइड के राइट मिरर को देखा, फिर लेफ्ट मिरर को साइड मिरर एडजस्ट कर लिए, सीट बेल्ट आपने पहन ली, ओके। अब मैंने फर्स्ट गियर लिया, क्लच को नीचे किया और अब मैं बैक मिरर में देख के आगे जाऊंगी। हैंड ब्रेक आपने नीचे कर लिए, ओके। अब साइड मिरर और इंडिकेटर लगाते हुए आप रोड में इंटर हो जाएंगी, ठीक हो गया जी। अब सर मेरी स्पीड गाड़ी की तेज हो रही है तो मैं सेकंड गियर लूंगी। सेकंड गियर आपने ले लिया और क्लच को उठा लिया जी। कितनी स्पीड हुई आपकी? 10 प्लस हुई तो जी। आपने कौन सा गियर अप्लाई किया? सेकंड गियर अप्लाई किया आपने। अब आपकी जब स्पीड मजीद बढ़ी है तो मैं थर्ड गियर अप्लाई किया है आपने, क्योंकि गाड़ी से आवाजें आनी शुरू हो गई, इंजन साउंड देने लग पड़े हैं। हर गियर की अपनी एक स्पीड होती है ना, जब आप स्पीड से ऊपर होके चलते हो ड्राइव करते हो तो अगर आप गियर नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होता है जी? फिर एक तो गाड़ी आपकी फ्यूल ज्यादा खा रही होती है और साथ में हीटअप भी हो सकती है अगर आप टाइम पे गियर शिफ्ट नहीं करेंगे। आप बता सकते हैं ये रोड के मिड में जो लाइन है व्हाइट कलर की फुल लाइन है, इसका मतलब क्या है? ये सर डिवाइड कर रही है ना रोड को, और इस तरफ से जाने वाली उस तरफ से आने वाली गाड़ी का बता रही है कि ऐसा ही है। लेकिन इसके अलावा इसका एक काम है, देखिए वहाँ पे फुल लाइन थी, यहाँ पे डॉट लाइन है। ये नेक्स्ट आपने अप्लाई कर लिया, फोर्थ के ले लिया, डॉट लाइन है देखिए इधर, और पीछे क्या थी? फुल लाइन थी। और जहाँ पे डॉट्स लाइन होती है वहाँ पे आप ओवरटेक कर सकती है, जहाँ पे फुल होती है वहाँ पे ओवरटेक करना मना होता है। समझिए बात को, इन लाइंस के अंदर है कि आपने ड्राइव करनी होती है। जी किस तरह आपकी ट्रेनिंग कैसी जा रही है जी? सर बहुत अच्छी, मैंने विद इन 6 डेज में ये सारे गियर सीख लिए और जीटी रोड पे भी चलाना शुरू कर दिए और टेस्ट भी दिया है मैंने, फिर एक लर्निंग टेस्ट था और ये मैंने टेस्ट क्लियर करके सर्टिफिकेट लिया। मुझे पता है ये आपने लाइसेंस अपना ले भी लिया है, वाओ गुड। मतलब खुद टेस्ट पास किया है? जी सर। कहाँ से? इब्तवाद से? जी इब्तवाद। सही है जी। तो टेस्ट में आपसे सिग्नल पूछोगे और गाड़ी आगे पीछे की होगी, इतना मुश्किल तो नहीं होता टेस्ट ना? चले बाकी मेरी इंस्टीट्यूट को कैसा पाया आपने? सर बहुत अच्छी आप ट्रेनिंग देते हैं और जो डर खौफ होता है रोड पे चलाने का वो विद इन वन डे आपकी वजह से खत्म हो जाता है और आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। शुक्रिया जी, आपने इसका अवल मुझे समझा और आप आई भी हैं मेरे ख्याल से किसी के रेफरेंस से आई हैं मेरे पास कि वहाँ जाएं ट्रेनिंग करें और आपकी ट्रेनिंग काफ़ी बेहतर होगी है। मतलब कि अब ये है कि प्रैक्टिस आपको चाहिए मज़ीद, ख़ुद को और इजी आप तब होंगी जब आप प्रैक्टिस करती रहेंगी, अपनी गाड़ी ड्राइव करती रहेंगी, आप बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। मेरे आने वाले स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूंगी कि आए इस इंस्टीट्यूट में, सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और विद इन 4 to 5 days में आप अपने आप को बहुत अच्छा ड्राइवर समझना शुरू हो जाएंगे। लाइक मी, आपकी तरह। कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? जी मैं केटीएस से सर बिलोंग करती हूँ। केटीएस से बिलोंग करती हैं तो आई थिंक आप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप कहीं बाहर जा रही हैं फॉरेन कंट्रीज में। चले जी, हमारी दुआ है कि आप अब आगे अपनी गाड़ी ड्राइव करें और जब जब ड्राइव करें और मुझे भी याद रखिएगा ये अपनी दुआ में। तो अल्लाह हाफिज़ जी। थैंक यू सर। अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपने गाड़ी को स्टॉप करना है, स्पीड में जा रही है तो आप पहले रेस छोड़ के ब्रेक पे जाएंगी, ओके? ब्रेक पे जाएं, ये अब जब आहिस्ता हो गई है साथ में क्लच दबा लें, न्यूट्रल कर दें, हैंड ब्रेक खींच लें, ओके। अब पहले क्लच छोड़िएगा फिर ब्रेक, पहले क्लच छोड़ते हैं फिर ब्रेक, समझिए बात को। आपने पहले क्या छोड़ दी थी? ब्रेक, पहले क्लच छोड़ा जाता है, समझिए। कोई और क्वेश्चन जो मुझसे आप समझती हैं कि आपको मिल जाए, जो मुश्किल लग रहा है आपको, तो मैं आपको यहाँ पे इस रोड पे आए तो क्लियर करवा दूंगा, समझिए आप। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ जी। थैंक यू।